नमस्कार दोस्तों, उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है। अब देखिए, लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे थे ऑफलाइन, वो अब सीधे ऑनलाइन पढ़ेंगे और बिल्कुल मैं ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाऊँगा। मैं ऑनलाइन की तरह ऐसा नहीं है कि केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कराऊँगा, मैं सारी चीज़ों पर फोकस करूँगा। ठीक है, पहले कंसेप्ट, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए, आज पहली क्लास है, बैंक पीओ का नोटिफिकेशन भी आ गया है, एसएससी प्री का रिजल्ट भी आ गया है, और एसएससी प्री 2020 का नोटिफिकेशन तो है ही कि वो अक्टूबर में फॉर्म निकलेंगे। जो भी है, एग्ज़ाम जब होगा तब देखा जाएगा। एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है। तो फिलहाल की जो स्थिति है कि मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा, और बेसिक में ऐसी चीज़ें बताऊंगा मैं जो सबके काम आएँ। अब वो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या फिर एफकैट हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसी से रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अब ये 5 मिनट मैंने आपके बारे में बताया है, और यहाँ पर पढ़ाई सारी सब्जेक्ट जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल केवल और केवल मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को लर्न करते रहिएगा। चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। आज से पहला दिन आपका और पहली क्लासेस है, मैं बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन से शुरू करता हूँ, और कैलकुलेशन को हम बिल्कुल चुटकियों में कैसे करेंगे। देखो, कहने मात्र से काम नहीं होगा कि हम चुटकियों में सॉल्व होंगे। अगर ये चीज़ आप तक सही तरीके से पहुँच रही है, तभी आप इस चीज़ को मानिएगा कि ये बात सही है, अदरवाइज़ फिर कुछ नहीं है। और दूसरा, आपको ही प्रैक्टिस करनी होगी। मैं सारे केवल रास्ते आपको बता सकता हूँ, प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ करिए। मेरे से कमेंट में जुड़ सकते हैं आप, मेरे से फेसबुक आईडी पर जुड़ सकते हैं, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो पहली वीडियो है, आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं पहली वीडियो। तो मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूँगा, मैं स्क्वायर से रिलेटेड बात करता हूँ, शॉर्टकट की बात करूँगा कि स्क्वायर क्या होते हैं। अभी देखिए, स्क्वायर को हम बोलते हैं वर्ग, हिंदी में बोलते हैं वर्ग। अब देखो, इसकी क्या ट्रिक है, हर चीज़ की, हर किसी का शॉर्टकट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जितने भी शॉर्टकट संभव हैं तो आप उन पे काम कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे स्टार्टिंग से पॉइंट बताऊंगा जिन पे आपको काम करना है। फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, तो स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स हूज ऑल डिजिट आर सेम। ऐसी संख्याओं के वर्ग जिनके सभी अंक समान हैं, इस टाइप को पहले सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर फिर कुछ अलग तरीके पर पहुंचेंगे। तो अभी इसमें देखो, ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट में मैं शुरू करता हूँ। अगर सभी अंक समान हैं तो इसका मतलब वो 111 हो सकता है, वो 111 भी हो सकता है, वो 4×1 भी हो सकता है। अब देखो, ये मैंने 5 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर का बेसिक मतलब होता है उसी संख्या का उसी में मल्टीप्लिकेशन करना। अब लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आसानी से पता हो जाएं, जिनके रिजल्ट डायरेक्ट अगर हमें पता चल जाएं तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती हैं। तो अभी 11 के स्क्वायर की मैं बात करता हूँ। सबको पता है 121 होता है, लेकिन 11 से जैसे ही आप आगे आओगे, 111 का स्क्वायर अगर आप सोचोगे तो कुछ ही लोगों को पता होगा। इसके बाद ये यहाँ पे आओगे तो फिर ये धीरे धीरे घटता जाएगा। जिसको पहले से पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको नहीं पता है वो चीज़ें सीख लें। अब देखो, इसका मतलब क्या है, 121 इसका स्क्वायर ये होता है। अब ये कैसे आया, देखो अगर यहाँ आप देखते हो तो 11 के 2 मिलेंगे, 2×1 लिखा हुआ है, तो मैंने मल्टीप्लाई, मैंने गिनती को 2 बार लिखा, यानी काउंटिंग मैंने 1 से लिखना शुरू किया और जितने 1 लिखे हुए थे यहाँ उतना उतने तक गया, यानी 2×1 लिखे हुए तो मैं 2 तक गया, देन आफ्टर मैं वापस आ गया 1। अच्छा, यहाँ पर ट्रिपल है तो मैं 3 तक जाऊँगा, 1, 2, 3। अब इसके बाद में देखो, 3 तक था तो मैंने 3 तक चला गया, फिर वापस आ जाऊँ 2 और 1। यहाँ 4 हैं
फोर टाइम वन लिखा हुआ है, वन टू थ्री फोर, अब फिर वापस आ जाओ, थ्री टू वन, यहाँ फाइव टाइम्स वन है। जब आप फाइव टाइम्स वन देख रहे हो तो फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव फोर थ्री टू वन। ये था पहला पॉइंट मेरा, और किसके लिए था ये था वन के लिए। अब इसी तरीके से हम टू की बात करेंगे, थ्री की बात करेंगे, धीरे धीरे इसी पॉइंट पर आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, चाहे नोट करें तो नोट कर लीजिएगा पॉज करके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। अब आप आता है डबल टू का स्क्वायर। देखो ये इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे जैसे आप बढ़ोगे, लेकिन आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा। इसमें आपको मैं एक पॉइंट बेसिक से समझा देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। आप ये मत सोचिएगा कि सर ये तो बहुत लेंथी आप करवा रहे हो स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आप समझो पहले, देन आफ्टर आप उसे इम्प्लीमेंट करना। इसमें मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट बेसिक से समझाऊंगा, देन आफ्टर आगे की चीज़ों को शॉर्टकट में लेके चलेंगे। अच्छा, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, टू इंटू डबल वन का स्क्वायर। इसके बाद में आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो टू का स्क्वायर तो हो गया फोर, और डबल वन, डबल वन का स्क्वायर हमने अभी सीखा है, वन वन का स्क्वायर कितना होता है, वन टू वन, ये अभी सीखा है। अब देखो इसका चार का मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो फोर और 484 आपका आंसर आ जाएगा। देन आफ्टर, अभी देखो इसमें हमने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि टू इंटू डबल वन मुझे मिलेगा। अब देखो टू का स्क्वायर भी होगा और डबल वन का स्क्वायर भी होगा, तो टू का स्क्वायर तो फोर आ गया और डबल वन का स्क्वायर कितना आ गया, 121। अब देखो अगर यहाँ डबल टू की जगह ट्रिपल टू होगा तो टू इंटू समथिंग होगा, तो टू का स्क्वायर तो फोर बाहर आएगा ही, और फिर अंदर बच जाएगा ट्रिपल वन का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप इसको और देखिए, अगर मैं ट्रिपल टू के स्क्वायर की बात करता हूँ तो ट्रिपल टू के स्क्वायर में आप देखेंगे टू का स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, वन 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 का स्क्वायर बचेगा, वन 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 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने इस बार डायरेक्ट लिख लिया है, और आगे से और ज़्यादा डायरेक्ट आप लिख पाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो आपको पता है कि ये फोर होता है, ट्रिपल वन आप जानते ही हो कि जब ट्रिपल वन है तो थ्री तक लिखिए, वन टू और थ्री, फिर टू और वन, वापस आ जाइए। इसके बाद अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो चार का 21 में करो डायरेक्ट, क्योंकि पता है यहाँ से कुछ कैरी नहीं जाएगा। अब यहाँ का चार में तीन में करोगे तो 12, फिर कैरी वन, और 48 और एक 49, तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके स्क्वायर की, तो अब आप सीधे सीधे लिखिए कि दो टू का स्क्वायर कॉमन आएगा और मेरे पास अंदर वन 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 के चार टाइम बचेंगे, तो यहाँ सीधे सीधे लिख लो, वन टू थ्री फोर थ्री टू वन। अब आप इसको ध्यान से देखें तो केवल जस्ट मल्टीप्लाई करना, और फोर का मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। चार का तीन में किया, बारह का दो, सोलह और एक 17 का एक हो जाएगा, 12 और एक 13 का तीन, और 48 और एक 49। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से करिए इसे। अभी 2 के बाद में ना मैं सीधे सीधे 4 पे आ रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं 3 पे आऊँगा, और फिर 4 के बाद में 3 पे आऊँगा मैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, पहले 4 को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही है 4 का भी। चलिए तो देख लेते हैं, अभी 3 का छोड़ देते हैं, 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे अगर मुझे डबल 4 का स्क्वायर करना पड़े, अगर मुझे डबल 4 का स्क्वायर करना पड़े तो देखो आपको पता है कि 4 का 16 कॉमन आ जाएगा,
4 का 16 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा डबल वन का स्क्वायर, और डबल वन का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 121। अब जब आप इसे देखोगे तो 16 का मल्टीप्लाई देखो, एक 1, 2, 3 तक करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो 16 का 6 आ जाएगा 32 और एक 33 का 3 आ जाएगा, 16 और 3, 19 ये आ जाएगा। हालांकि मैं इनकी और भी ट्रिक बताऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए, अभी बिल्कुल बेसिक है। और 444 का मुझे स्क्वायर करना है, तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 16 कॉमन आ जाएगा, और फिर 111 है तो इसका स्क्वायर कितना बनता है, 1, 2, 3, 2 और 1। अभी सीखा था ये यहाँ तक, ठीक है। जब ये हमने यहाँ तक देख ही लिया है तो इसके बाद में फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 का 6, 32 और एक 33 का 3, 48 और 3 51 का 1, 32 और 5 37 का 7, तो 16 और 3 19। इसी तरीके से आप आगे तक कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 के बाद में मैं आता हूँ 5 की तरफ, चलिए 5 को और देख लेते हैं भाई। तो 55 के स्क्वायर की मैं बात करूँगा, तो 55 का जो स्क्वायर होगा, अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 25 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 कॉमन आ जाएगा। जब आप 25 को देखोगे तो सिंपल सी बात ये, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 121। कैसे, क्योंकि यहाँ जब 5 आप कॉमन लोगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, डबल वन का स्क्वायर बचेगा, और डबल वन का स्क्वायर अभी आप यहाँ फर्स्ट देख चुके हो कितना आ रहा था, 121। तो ये सारी चीज़ें वहीं से हैं, ठीक है। चलिए 25 का देखो, मैंने इस वजह से ले लिया क्योंकि 25 का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है, 25, 50, 75, 100, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो 25 का किया तो 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 50 और 2 52 का 2 आ जाएगा, फिर से 5 कैरी चला जाएगा, 25 और 5 30, ठीक है। अगेन अगर मैं 555 का लेता हूँ, 555 का लेता हूँ, तो 555 में जब आप देखोगे तो अब सिंपल सी बात यह है कि 5 जब कॉमन लोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डबल वन। अब देखो कॉमन वाली प्रक्रिया सेम मैं यहाँ वाली कर रहा हूँ, 2 × 111, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 × 111 या 5 × 111, ठीक है, या 4 × 111, 4 × 111, इस तरीके से चल रहा है। 25 जब मैंने कॉमन ले लिया तो 25 कॉमन लेने के बाद में अब मेरे पास अंदर क्या बचा, मेरे पास अंदर बचा 111 का स्क्वायर, और 111 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1, 2, 3, 2, 1। 111 का स्क्वायर आप ऑलरेडी समझ चुके हो सभी, तो मुझे बार बार बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहली क्लास थी तो मैं इसको बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अब 25 का 5, 50 और 2 52 का 2 5, 25 थी अब 75 और 5 80 की 0 8, 25 दूनी 50 और 8 58 का 8 5, 25 एक 25 और 5 30। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो ये अब इससे आसान और भी चीज़ें हैं जो बहुत आसान रहेंगी आपके लिए, उनको देखेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो भी चीज़ें आपने नोट करी हैं उन्हें देख लीजिए, देन आफ्टर मैं चलता हूँ आगे के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 333 की तरफ या डबल थ्री, थ्री थ्री वाला हो, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अब जो बचे हुए हैं उनको आगे करते हैं। तो अब हमारे पास बचता है 33 का आपको स्क्वायर करना है, फिर करोगे आप 333 का स्क्वायर, देखिए 33 के स्क्वायर की मैं बात करता हूँ 33 का, तो प्रोसीजर वही है कि 3 कॉमन लोगे और 3 का जब स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा और 111 का स्क्वायर अंदर बचेगा। लेकिन मैं इसका एक शॉर्टकट है जिसको मैंने अभी पहले नहीं बताया था, इस वजह से और बता रहा हूँ, इसको आप याद कर लो। अगर आपने 33 का याद कर लिया तो ये कम्प्लीटली लिस्ट आपके सामने हो जाएगी। अब याद कैसे करेंगे, तो देखो इसका होता है 1089,
0 8 9। अब इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, दो पॉइंट जिनके सामने लगा रहा हूँ तो उन पे ध्यान रखना। एक तो इस पे लगा रहा हूँ और एक इस पे लगा रहा हूँ। जिन पे मैंने निशान लगाए हैं इन्हें आप एज ए कॉन्स्टेंट टर्म मान लीजिए। अभी फिलहाल की स्थिति में कॉन्स्टेंट मान के इन्हें भूल जाइए। तो देखो 3 को मैंने 2 बार लिखा है, 1 को 1 बार लिखा है और 8 को भी 1 बार लिखा है। मैं ये कह सकता हूँ कि 8 को और 1 को मैंने एक एक बार कम लिखा है जितने मेरे नंबर थे। अभी बात अगर समझ में नहीं आई है तो इस पे देखिएगा, 0 और 9 को कॉन्स्टेंट ही रखेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी। अच्छा इसको देखिए, 333 है, जितने 3 हैं उतने से एक बार कम 1 लिखना है। मैं डबल 1 लिख दूंगा, जितने 3 हैं उतने से एक कम बार 8 लिखना है। मैंने डबल 8 लिख दिया। 0 और 9 एज ए कॉन्स्टेंट हैं, ये एज ए कॉन्स्टेंट ही रहेंगे, तो 0 को 0 ही लिखेंगे और 9 को 9 ही लिखेंगे। बात क्लियर हुई भाई? बात यहाँ तक समझ में आई? चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। यहाँ 3 को मैंने 4 टाइम्स लिखा है तो 1 को एक कम टाइम्स यानी 3 टाइम्स लिखो। 1 मैंने एक कम बार लिखा, 0 मेरा कॉन्स्टेंट ही रहेगा और 9 भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा, और 8 जितना यह है उससे एक कम बार लिखो, तो 888, ठीक है। अब इसके बाद में ये 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स का मतलब है कि 1 को 1 कम टाइम्स लिखो, यानी 4 बार लिखो, 4 टाइम्स लिखो, 1 2 3 4। अब 0 तो मेरा कॉन्स्टेंट ही था, 8 को भी मैंने 4 बार लिख दिया, 9 मेरा फिर से कॉन्स्टेंट था। तो आप ये देखो कि 5 6 7 8 कुछ भी हो आप आसानी से कर पाओगे। तो ये बहुत आसान है, बहुत शॉर्ट है, ठीक है। इसी पर आधारित मैं और भी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ 3 से रिलेटेड, ठीक है। देखो जैसे मैंने 3 का किया था वैसे ही होता है 6 का, डबल 6 का स्क्वायर, ट्रिपल 6 का स्क्वायर, 4 टाइम्स 6 का स्क्वायर, 5 टाइम्स 6 का स्क्वायर। अब देखो डबल 6 के स्क्वायर में इसको भी आप याद कर लो, ये होता है 4 3 5 6, ये होता है 4 3 5 6। अब इसमें भी सेम जो इधर से सेकंड और फोर्थ पॉइंट था, जैसे 333 333 वाले में था, सेम वही सिचुएशन है सेकंड और फोर्थ। अगर मैं लेफ्ट से देखता हूँ तो सेकंड और फोर्थ नंबर को मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट कर लिया, पिछले वाले की तरह ही है। अब देखिए 6 दो टाइम था तो 4 को मैंने एक कम बार लिखा और 5 को भी एक कम बार लिखा। 3 3 3 और 6 क्या है, मेरे कॉन्स्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट है 666। जब मैं 666 की बात करता हूँ तो 4 हो जाएंगे डबल, ब्लू मार्क नहीं चल रहा है तो इसे ले लेते हैं, 4 हो जाएंगे मेरे डबल, 5 भी हो जाएंगे मेरे डबल, और 6 और 3 एज कॉन्स्टेंट रहेंगे। इसके बाद डबल यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि 3 टाइम्स मैं 4 लिख दूँ, फिर जो 3 कॉन्स्टेंट था 5 को भी मैं 3 टाइम्स लिखूंगा, क्योंकि 6 कितनी बार लिखा है मैंने, 4 बार, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 3 टाइम्स। अब ये 5 है तो इस 5 में हमें ध्यान देना है कि एक कम बार लिखूंगा तो मैं 4 बार लिख दूंगा, 3 मेरा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, 5 को भी मैं 4 बार लिख दूंगा और 6 मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, इसे नोट कर लीजिए। एक 9 का और है, ठीक है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, 9 वाला और देख लेते हैं भाई। देखो चलो 9 के बारे में समझ लेते हैं। देखो
डबल नाइन, अब इसको तो आप याद ही मत करो, 33 का उल्टा कर दो। 33 का कितना होता था? 33 का होता था 1089। इसका जस्ट उल्टा कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 9801। 9801। यहाँ से भी आपको दूसरा और चौथा पॉइंट, यहाँ से भी आपको दूसरा और चौथा पॉइंट क्या करना है? कांस्टेंट ही रखना है। बाकी पिछली वाली जो प्रक्रिया थी वो सेम अप्लाई करनी है। डबल नाइन है तो मैं यहाँ एक कम बार लिखूंगा और जीरो को भी एक कम टाइम्स लिखूंगा। ट्रिपल नाइन है तो इसका मतलब क्या है? ट्रिपल नाइन के लिए मुझे क्या करना है भाई? ट्रिपल नाइन के लिए नाइन को एक कम बार लिखोगे तो डबल नाइन लिखोगे। एट मेरा कॉन्स्टेंट ही है, जीरो को भी एक कम बार लिखोगे और वन भी कॉन्स्टेंट है। जब यहाँ फोर टाइम नाइन की बात आएगी, अरे बोलो, फोर टाइम नाइन की बात आएगी तो नाइन कितने आएंगे? हाँ करेक्ट, थ्री टाइम्स। एट कॉन्स्टेंट है तो एक ही बार आएगा, जीरो थ्री टाइम आएंगे, फिर वन। अब फाइव टाइम्स नाइन है तो ये फोर हो जाएगा। एट मेरा कॉन्स्टेंट है, फिर से ये फोर जीरो वन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। अभी दूसरा लेक्चर, इसी मेरे बहुत सारे लेक्चर आएंगे जो केवल बेसिक कैलकुलेशन से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।